आज हम लोग परसेंटेज का पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये जो परसेंटेज हैं ये अपने सभी एग्ज़ाम्स के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि ध्यान दीजिए कि अगर मैं कह दूं यहाँ पे मेरे दोस्तों कि ये एक 10% है, अगर मैं यहाँ पे कहूँगा कि आप इन सबको क्या बनाएं, भिन्न बनाएं। दोस्तों भिन्न की बात करें, भिन्न क्या होता है? भिन्न होता है फंक्शंस वैल्यू, ओके, यानी फंक्शंस होता है जिसमें ऊपर होता है न्यूमिनेटर, नीचे होता है डिनोमिनेटर। यानी कि भिन्न की बात करें दोस्तों कि अगर हम बात करेंगे भिन्न, और भिन्न क्या होता है दोस्तों? अंश बटे का हर होता है, यानी कि फंक्शंस अपॉन फंक्शंस बराबर क्या होगा? न्यूमिनेटर्स अपॉन डिनोमिनेटर्स होता है, ओके। ये बेसिक जानकारी है। अब दोस्तों देखिए, अगर हम लोग स्टार्ट करें कि मैंने कहा यहाँ पे कि 10% है, इस 10% को आपको क्या बनाना दोस्तों? भिन्न बनाना है। देखिए भाइयों, जब भी पूरी मैथ का ध्यान रखें कि परसेंटेज को कवर करना है, ओके। तो देखिए परसेंटेज का जब भी चिन्ह हटेगा तो बटे में क्या आएगा? 100 आएगा। ध्यान दो दोस्तों, 10% था, परसेंटेज का चिन्ह हटाया, बटे का 100, ओके, यानी कितना आएगा दोस्तों? 1/10। ये भिन्न आ गई हमारे पास में, ओके। फिर आगे देखते हैं कि मैं कहूँगा कि 20% है, इसका भिन्न क्या होगा दोस्तों? सेम प्रोसीजर, 20/100 हल करेंगे, 1/5, ओके। 30% होगा, 30% का भिन्न क्या होगा दोस्तों? तो 30/100, यानी भिन्न कितना होगा? 3/10 होगा। फिर देखते हैं दोस्तों आगे कि 40% होगा, 40% का भिन्न क्या होगा? तो दोस्तों परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे, 1/100, यानी कि 2/5, क्लियर। 50% होगा, क्या होगा? तो 50/100, यानी कि कुल मिला के मेरे दोस्तों ध्यान दीजिएगा 1/2 आता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं आगे कि 60% होगा, तो क्या होगा? 60/100, यानी कि 3/5 होगा दोस्तों। 70% होता है, तो क्या होगा? 70/100 होगा, यानी कि 7/10 होगा। 80% होता है, तो क्या होगा? 80/100, यानी कितना होगा दोस्तों? देखिए 4/5। 90% होगा, तो यानी कि 90/100, यानी कितना होगा दोस्तों? 9/10। ये आया यहाँ पे। ये दोस्तों हमने परसेंटेज से बनाया है भिन्न। जब भी परसेंटेज से भिन्न बनाना होगा तो इस प्रकार से आपको इनको कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। फिर बढ़ते हैं दोस्तों आगे कि यदि भिन्नों को परसेंटेज बनाया जाए तो कैसे बनाते हैं, चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखें दोस्तों कि अगर हम लोगों के पास में क्या है कि ये 33/1/3% हैं, क्या है दोस्तों? 33/1/3% हैं। अब इसको आपको बनाना है भिन्न। क्या बनाना है दोस्तों? इसको आपको भिन्न बनाना है। अब देखिए 33/1/3% है, इसको भिन्न बनाएंगे तो कैसे लिखें दोस्तों? इसको देखिए, हमारे पास क्या है? 33/1/3% था, यही ना। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या कर सकते हैं? बीच में प्लस लगा सकते हैं, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पर ऐसे नहीं लिखें। आप इसको शॉर्ट में करने के लिए क्या करें, देखिए कि आप इसका गुणा करना सीखें। दोस्तों गुणा कैसे करते हैं कि हमेशा इसका इससे गुणा करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? हमेशा इसका इससे गुणा करते हैं, और गुणा आने के बाद इसको ऊपर वाले में जोड़ देते हैं, ओके। यानी क्या किया दोस्तों? 3 का गुणा किया तो कितना होगा? बोलो 3 का गुणा 33 से करेंगे, 99 और एक कितना हो गया रे दोस्तों? 100/3% आया, ओके। इस प्रकार से कन्वर्ट किया आप लोगों ने, यानी 33/1/3% था तो 100/3% आएगा, क्लियर। फिर देखिए आगे, अब आपको परसेंटेज से भिन्न बनाना है
तो परसेंटेज से भिन्न कैसे बनाएंगे? दोस्तों परसेंट का चिन्ह हटाते ही तो बटे में क्या आएगा, दो जीरो यानी कि 100 आ जाता है। और इसको हल करते हैं तो कितना भिन्न प्राप्त होता है, 1/3 प्राप्त होता है। क्लियर? इस प्रकार से आप लोगों ने पूरा ही चेंज किया है। फिर देखें दोस्तों कि जैसे मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे कह दिया कि 66 सही 2/3%। अब इसको कैसे सोल्व आउट करते हैं, देखिए 66 सही 2/3% था तो आपका जो कंसेप्ट क्या होगा, हमेशा नीचे वाले को ऊपर वाले से गुणा करना है और इसको इसमें क्या करना दोस्तों, ऐड करना होगा। ओके, ध्यान दीजिए, इसको इसमें गुणा करें और इसका इसको जोड़ें, देखिए इधर क्या होगा, 33 का गुणा 66 से करेंगे तो क्या होगा, 3 का गुणा 66 से करेंगे 198 और 2 कितना हो गया 200, यानी कि 200/3%। ओके मेरे दोस्तों, ध्यान देंगे यहाँ तक क्लियर? फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। अब देखिए दोस्तों परसेंटेज का चिन्ह हटाते हैं, नीचे दो जीरो यानी कि क्या आ गया, 00 आ जाता है, फिर दो जीरो जाएगा तो क्या आएगा, 2/3% आता है। क्लियर? फिर आगे देखते हैं कि मान लीजिए 16 सही 2/3% हैं, कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए आपका तरीका क्या होगा, नीचे वाले को गुणा करें और ऊपर ले जाके क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, नीचे वाले को ऊपर वाले से गुणा करेंगे और ऊपर वाले में जोड़ देंगे, 3 का गुणा किया 16 से तो 16 3 48, 48 और 2 कितना हो गया 50/3%। क्लियर दोस्तों? देखिए परसेंटेज का चिन्ह हटाते हैं, 100 आएगा और देखिए कितनी बार गया, 1/6 बार जाता है। क्लियर? इस प्रकार से आपको पूरा ही चेंज करना है। ठीक है, अब फिर बढ़ेंगे दोस्तों आगे। यदि हमारे पास भिन्न दी जाती है तो इन भिन्नों को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना होगा, चलिए उस जानकारी को भी समझते हैं। चलो दोस्तों अभी हम बात करेंगे अब परसेंटेज में कन्वर्ट करना। पहले हम लोगों ने सीखा था कि परसेंटेज से भिन्न बनाना, अब हम लोग भिन्नों से परसेंटेज कैसे कन्वर्ट करते हैं इस बात को समझते हैं। चलिए देखिए, जैसा कि मान लीजिए कि अगर मुझे यहाँ पे दिया जाता है कि 1/10 भिन्न दी जाती है, मुझे यहाँ पे दिया गया 1/10 भिन्न दी जाती है। अब इस 1/10 भिन्न का परसेंटेज कैसे बनाएंगे, आपको बनाना है दोस्तों परसेंटेज। अब परसेंटेज कैसे बनाना होगा, तो जब भी परसेंटेज बनाने की बात करेगा तो आपको हमेशा गुणा क्या करना है, सो क्लियर। जब भी आपको परसेंटेज बनाना है आपको गुणा करना होगा मल्टीपल 100। दोस्तों ध्यान देंगे, मल्टीपल 100 करेंगे तो कितना परसेंटेज बनेगा, 10% बन जाता है। ओके, अगर मैं कह दूं यहाँ पे कि दोस्तों 1/5 हैं, अब 1/5 को बनाएंगे तो क्या बनेगा, इसको भी आप गुणा करेंगे 100, तो दोस्तों कितना परसेंट बन जाएगा, 20% बन जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग कि यदि मैं कह दूं कि 1/4 हैं तो 1/4 को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, गुणा 100 करेंगे तो यानी कितना होगा, 25% बन जाएगा। ओके दोस्त, फिर देख लिया जाए कि अगर यहाँ कह दिया जाता है कि 2/5 कह दें, अब 2/5 होगा तो इसका परसेंटेज क्या बनेगा, तो गुणा करेंगे 100, यानी दोस्तों ये तो गया 20 बार और 20 दुनी का आ गया 40%। ठीक है, अगर 3/5 होता या 3/4 होता तो क्या करते हैं, गुणा 100 करते हैं तो कितना आता, 25 या कितना आ गया, 75% आता है। ठीक है, आगे भी और देख लिया जाता है कि मान लें कि अगर मैं कह दूं कि 1/2 था, गुणा 100 करें, 1/2 को गुणा 100 करें तो कितना आ गया, 50% आता है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब दोस्तों देखिए कि अगर मैंने कहा है यहाँ पे कि ये 1/3 है, अब 1/3 है तो इस 1/3 को परसेंटेज में हमें कैसे बदलना है, तो सिंपल सा मेथड वही है सबके लिए कॉमन, मल्टीपल 100 करना है तो यानी कितना आ गया दोस्तों, 100/3 आया है। ओके, अब 100/3 किस में आएगा, ये परसेंटेज में आ जाता है। क्लियर, अब 100/3% बोलें
या फिर इसको क्या करें, तीन का भाग लगा दें। तीन का भाग लगाएंगे तो कितना हो दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, दस, तीन का भाग लगा दस में, तीन बार गया, एक बच्चे का दस, वही तीन बचा, ठीक है। अब बच्चे का शेषफल एक बटे का 3%, यानी कितना परसेंट बन गया, 33 सही, 1/3% आ जाता है, ठीक है। फिर देखें आगे कि मान लीजिए कि 2/3% होगा तो गुणा क्या करेंगे, 100, तो वही कितना होगा, 200/3, भाग लगाएंगे तीन का, 3 × 18, 2 × 20 हो गया, 3 × 18 वही 2/3%, ठीक है। फिर आगे देखते हैं कि मान लो कि हम लोग कहते हैं यहाँ पे तीन बटे का 7 कह दें, अब इसका परसेंटेज क्या बनेगा दोस्तों, 3/7 कह दिया, इसका परसेंटेज क्या बनेगा, तो हम लोग क्या करें, मल्टीपल 100, ओके, तो वही कितना आएगा यहाँ पे, 300/7, ओके, तीन का बार लगाएंगे, 7 × 28, 2 × 20 हो गया, ठीक है, तो 7 × 14, अब बचा कितना दोस्तों, 6 बचेगा, तो क्या आ गया, ये हमारा परसेंटेज बनता है। तो ये बेसिक जानकारियां हैं, तो इनसे आपको परसेंटेज बनाना आना चाहिए और परसेंटेज से भिन्न बदलना आना चाहिए दोस्तों। ये थी कॉमन जानकारी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि हम लोग घंटे का, दिन का, मीटर का, मिलीमीटर का, किलोग्राम का, इनका परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, उनको भी समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में आप लोगों से कहा गया है कि 5 घंटा एक दिन का कितना परसेंट होगा, तो आपको चेक करना है कि 5 घंटा किसका, एक दिन का कितना परसेंट होगा, ये चेक करें। देखिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि प्राप्तांक बटे का पूर्णांक इनटू क्या होता है, 100 होता है। ध्यान दीजिए प्रतिशत निकालने का जो तरीका होता है, प्रतिशत कैसे निकालते दोस्तों, समझिएगा आप लोग कि प्राप्तांक बटे का पूर्णांक आता है गुणे का 100 लेते हैं, तो प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणा 100 करते हैं। दोस्तों ध्यान दो कि आपने प्राप्त कितना किया है, तो आपने प्राप्त कितना किया है, 5 घंटा, कितना प्राप्त किया है, 5 घंटा, यानी किसका भाग है ये एक दिन का 5 घंटा है, यानी एक दिन में टोटल आवर कितना होता है, एक दिन टोटल आवर होता है 24 घंटे होते हैं, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, यानी बन जाता है 24 घंटे, यानी कि 24 हो गया, इनटू परसेंटेज कैलकुलेट के लिए गुणा करेंगे 100 से, ओके। अब दोस्तों 24 घंटे में से 5 घंटा पूछा है, यह परसेंटेज में कितना होगा, अप्रोक्सीमेटली चेक करते हैं हम लोग इसको, देखो इधर तो 4 से काटा 6 बार गया, 4 से 25 बार जाएगा, ओके दोस्तों। चलेंगे फिर आगे, 25 × 5 कितना होगा, 125/6, चेक करते हैं आगे, 6 × 12, 2 × 20 गया, यानी 5/6%। करेक्ट फाइनली आंसर कितना बनता है, तो 20 सही, 5/6% अपना करेक्ट आंसर बनता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि 5 किलोग्राम 2 क्विंटल का कितना परसेंट होगा। देखिए 5 किलोग्राम 2 क्विंटल का कितना परसेंट होगा, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 1 क्विंटल में कितना होता है, 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होता है, ध्यान रखना है ये इकाइयाँ होती है, 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम और एक मण कहते हैं हम इसको, एक मण में कितना होता है, 40 किलोग्राम होता है, ध्यान रख के चलना है। तो 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम और एक मण में होता है 40 किलोग्राम, 5 किलोग्राम 2 क्विंटल का कितना परसेंट होगा। देखिए दोस्तों जब 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम, तो 2 क्विंटल में कितना किलोग्राम होगा, देखिए तो 2 क्विंटल में होगा 200 किलोग्राम, ओके। परसेंटेज पूछा गया है, ठीक है, किसका परसेंटेज, के 5 किलोग्राम 2 क्विंटल का कितना परसेंट होगा, तो ये तो 5 किलोग्राम है, ओके, 500 किलोग्राम,
किसका परसेंटेज? 2 क्विंटल में से, और 2 क्विंटल में कितना किलो होगा? 200 किलो, इनटू का 100% के लिए गुणा करेंगे, 2 जीरो से गया और 2 से काटा, 2.5%। ओके दोस्तों, तो कितना होगा? 2.5%, और डेट इज 2.5%, यानी 25%, यानी 2.5% अपना करेक्ट यहाँ पे आंसर आता है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन देखिए 3 नंबर, इसमें बोला गया है कि 25 ml 5 लीटर का कितने परसेंट होता है। तो देखिएगा आप लोग कि 1 लीटर में कितना ml होता है, तो 1 लीटर में होता है 1000 ml होता है, यानी कि मिलीलीटर। ओके, फिर आगे देखेंगे तो 1 लीटर में 5000 ml, तो इसका मतलब 5 लीटर में भी कितना होगा? 5000 ml हो जाएगा, 5000 मिलीलीटर। 25 मिलीलीटर 5000 मिलीलीटर का कितना परसेंट होगा? जब भी आपको परसेंटेज निकालना है तो इनकी इकाइयां सेम होना चाहिए, या तो दोनों लीटर होंगे या दोनों मिलीलीटर होंगे। ठीक है, अब देखिए प्रतिशत कैलकुलेट करना है, तो 25 ml है किसका? 5000 ml का, इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो गया और 25 का कितनी बार गया? 1/2, 1/2। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन देखिए कि 75 ml, 75 ml जो मीटर हैं, 75 मिलीमीटर हैं, 75 मिलीमीटर वो 2 मीटर का कितने परसेंट होगा? 75 मिलीमीटर 2 मीटर का कितने परसेंट होगा? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि 1 मीटर में, 1 मीटर में होता है 1000 मीटर, तो इसका मतलब 2 मीटर में कितना होता है? 2000 ml होता है, मिलीमीटर, 2000 मिलीमीटर। ओके mm, ओके दोस्तों, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पे देखेंगे कि 75 ml 2 मीटर का कितने परसेंट था, तो प्रतिशत निकालेंगे, तो प्रतिशत निकालेंगे, क्या करेंगे दोस्तों? 75 मिलीमीटर किसका? 2000 का, 2000 आएगा नीचे, जिसका भी होता है वो नीचे आता है और जो प्राप्तांक होता है वो ऊपर आता है, इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो गया, आगे हल करेंगे, 5 से काटेंगे 15 बार जाएगा, 5 से काटेंगे 4 बार जाएगा, अब 4 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 3.75, ये आ गया अपना आंसर। ठीक है, इस प्रकार से निकालेंगे। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आपको दिया गया है कि 2.660 का x% इजिकल टू 1.33। यहां पर आपको कैलकुलेट क्या करना होगा? यहां पर आपको कैलकुलेट करना होगा एक्स की वैल्यू। ओके, एक्स वैल्यू क्या हो सकती है देखेंगे आप लोग, सोल्व करते हैं इसको। तो देखिए सोल्व करें, देखें तो 2.660 का, यानी मैथ का कंसेप्ट है का के की ऑफ, ध्यान देंगे मैं शब्द लिख देता हूं, का के की ऑफ, इनका मतलब हमेशा गुणा होता है। ओके, ध्यान रखें, तो 2.660 का x% बराबर क्या होगा? 1.33। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, आप देखें परसेंटेज का जब पॉइंट हटाएंगे यहाँ पे, तो पॉइंट के पीछे कितने अंक है? 3 अंक, तो पॉइंट के पीछे 3 अंक, तो यहाँ पे 3 जीरो लगा दिया। यहाँ देखेंगे यहाँ परसेंटेज का चिन्ह हटेगा तो बटे में यहाँ पे क्या आएगा? 100 आएगा। ओके, और पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आएगा 00 आएगा। ओके, बढ़े फिर आगे, चलिए 2 जीरो से तो 2 जीरो गया, इधर की इधर 0 से 0 गया, डायरेक्ट काटना सीखे आप लोग, डायरेक्ट कैसे काटना है कि नीचे के 0 से नीचे के 0 कट जाता है बराबर में, ऊपर से ऊपर कट जाता है, या एक ही पक्ष में ऊपर नीचे कट जाते हैं। ओके, ऐसे काट सकते हैं। अब देखें दोस्तों, प्यारे बच्चों ध्यान दो कि अब हमारे पास में यहाँ क्या आया, 2.660/100 इंटू एक्स बराबर 1.33। अब आप चाहें तो आप 1.33 से 2 बार काटें और 1 बार 2/100 आएगा, यानी कि 1/50, 50 से गुणा इधर हुआ तो 50 अपना आंसर आएगा, या आप चाहें तो 1/ करके क्रॉस मल्टीपल करें जिसे हम बोलते हैं वज्र गुणा, यानी कि एक्स बराबर हो गया 1.33 × 100, ये नीचे आ जाएगा तो 2.66 हो गया, इससे 2 बार जाएगा और 2 से काटेंगे 50, कुल मिला के एक्स वैल्यू कितनी आ गई? 50 आ गई है।
तो एक्स वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में, 50 आ जाती है। इसको कहाँ से निकालेंगे? देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में कहा गया कि एक्स का 37 से 1/2% बराबर 12, तो एक्स क्या हो सकता है? चेक करते हैं। तो एक्स का यानी गुणा होगा 37 से 1/2% बराबर 12 होगा। देखिए तो एक्स का के की का मतलब गुणा होता है, 37 × 74 कितना हो गया, 75/2% बराबर हो गया 12। ओके, परसेंटेज का साइन हटेगा तो बटे क्या आएगा, 20 यानी 100 आ गया। ओके, और आगे काट सकते हैं आप लोग चाहें तो इसको, या देखिए कैसे काटेंगे, 25 + 75 8 बार गया। ओके, और 3 से काटा 4 बार गया, डायरेक्ट बराबर से काटें आप लोग, ठीक है। और 8 तो कितना हो गया 32, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 32 आ गई। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं 9 नंबर पे, कि एक्स का 37 1/2% = 12, तो x की वैल्यू क्या होगी, ये आपको पता करना है। यहाँ पर x का मान देखिए, सिंपल सा वे होगा करने का कि x का 37 1/2% बराबर 12 है। का के की और ऑफ, इन चार शब्दों का मतलब होता मैथमेटिक्स में गुणा होता है दोस्तों। ओके, तो यानी x का 37 × 74 गुणा भी मैंने आपको बता दिया था, 37 × 74 और ये कितना हो गया, 75/2% का मतलब होगा नीचे 100। ओके, बराबर 12। नेक्स्ट आगे हल करेंगे, देखिए 25 + 75, 25 से काटा 8 बार। ओके, और 3 से काटेंगे 4 बार जाएगा, और 8 × 4 = 32, यानी कि कुल मिला के एक्स वैल्यू कितनी आती है, 32 आती है, और 32 हमारा करेक्ट फाइनल आंसर आता है। ओके, देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, और बोला गया आपसे कि 196 का 12.5% बराबर एक्स का 50%, तब एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो प्रूफ करेंगे। देखिए कि हमें चेक करना है कि एक्स सोल्व कर रहे हैं हम लोग, सोल्व करें दोस्तों, तो सोल्व करें। देखिए इधर 196 का यानी गुणा 12.5% बराबर, ओके, एक्स का 50%। ओके, अब देखिए दोनों पक्षों में जो वैल्यू है वो मल्टीप्लिकेशन में, जब दोनों पक्षों की वैल्यू मल्टीपल में है और साथ में क्या इनके सिंबल्स दे रहे का क्या परसेंटेज का, तो दोनों का जो सिंबल्स हैं वो क्या हो गया, परसेंटेज का साइन हम लोग खत्म कर सकते हैं, काट देते, कट गया। अब देखिए दोस्तों, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आएगा 20। ओके, अब आगे देखेंगे, 0 से 0 खत्म कर सकते हैं यहाँ पे आप लोग, ठीक है। अब देखिए आगे 5 से काटेंगे, देखिए 25 से काटा 25 बार गया, 5 से 2 बार गया, 25 से काटेंगे 2 बार जाएगा दोस्तों। ओके, अब देखिए आगे कितना हो गया, यहाँ काटेंगे इसको, 2 से काटेंगे 9 बार गया, 1 = 8 बार गया, और वापस हम लोग 2 से काटते हैं, तो 44 अपना आंसर आ जाता है, 49 अपना आंसर आता है। तो यानी एक्स वैल्यू कितनी आ गई, 49। तो अपना करेक्ट आंसर कितना गया दोस्तों, 49 आ जाता है। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11 जो होगा वो देखिए, 30 का 35% बराबर होगा एक्स का 20% + 2। सोल्व कैसे करना है, यहाँ पर आपको एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। देखिए करने का मेथड, सोल्व करते हैं इसको हम लोग। देखिए 30 का 35%, ओके, आगे एक्स का 20% + 2, ये 2 अलग है, मल्टीपल में नहीं है। ओके, देखिए परसेंटेज हटाएंगे तो यहाँ पर 100 आएगा, परसेंट हटाएंगे 100 आएगा दोस्तों, 100 ओनली यहीं तक आएगा, आगे नहीं आएगा, ये प्लस है, गुणा होता आगे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखते हैं आगे, देखिए 0 से 0 गया, इधर 0 से 0 गया, आगे 0 से 0 गया यहाँ पे, ठीक है, क्या काट सकते हैं 0 से 0 इधर, नहीं काट सकते अभी, 0 से 0 इधर नहीं काट सकते, क्यों, क्योंकि ये पूरी टर्म होती तो आप 0 से 0 काट सकते हैं, पर ये इधर जो सिंगल टर्म पर इधर डबल टर्म होगी, इसलिए नहीं काट सकते हैं। ओके, इधर ध्यान रख के चलें दोस्तों, देखें हम लोगों ने कैसे काटा, 0 से 0 काटा, ओके, यानी 0 से 0 खत्म कर दिया, इधर भी 20 से कम 20, और 20 और 5 = 100, क्लियर। आगे 5 से काटा 7 बार, 5 से काटा 2 बार गया, यानी 7 × 21/2 बराबर 1/5 + 2। अब दोस्तों ध्यान दो कि ये 2 इधर आता है, तो यानी 21/2 - 2 बराबर हो गया 1/5। अब यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, 2 आएगा, 2 से 2 गया,
तो 21 माइनस का 4, ओके दोस्तों, यानी कितना होगा यहाँ पे 17/2, यानी आगे सोल्व करते हैं हम लोग यहाँ पे बराबर, यहाँ तो 1/5 है, यानी इसमें से जाएगा तो 17/2 बराबर हो गया 1/5, क्रॉस मल्टीपल करें 17 × 85/2 बराबर हो गया x, 2 का भाग लगाएंगे तो 4.42.5, ओके दोस्तों, तो यानी कि 42.5 अपना यहाँ पे करेक्ट अपना फाइनली आंसर बन जाता है। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में हम डिस्कस करते हैं कि x का 75% प्लस 60 का 50% बराबर 310 का 30% इक्वल टू क्या होना चाहिए। नेक्स्ट डिस्कस करें, ध्यान दें, सॉल्व आउट करते हैं तो x का 75% प्लस 60 का 50% बराबर 310 का 30%, ओके दोस्तों, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी परसेंटेज, यहाँ भी परसेंटेज और यहाँ भी परसेंटेज, चाहे तो आप सबका परसेंटेज कॉमन लेके खत्म कर सकते हैं, या कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। देखिए अगर हम लोग चाहें तो परसेंटेज कॉमन ले लें, या परसेंटेज की जगह हम लोग डाइट भी कर सकते हैं। देखिए डाइट करेंगे हम लोग, परसेंट हटाएंगे बट्टे का 100, परसेंट हटाएंगे बट्टे 100, परसेंट हटाएंगे बट्टे का 100 आएगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 25 × 75 = 100, 2 जीरो खत्म कर देते हैं और इधर भी 2 जीरो खत्म करते हैं। देखते हैं आगे, फिर आगे देखो कितना हो गया, 3x/4 प्लस 6×5 = 30, 31 कितना हो गया, 6 × 31 हो गया 93, ओके दोस्तों। अब देखते हैं आगे, इसको जब ट्रांसफर करते हैं तो 3x/4 बराबर 93 − 30 = 63 हो गया। तो कुल मिला के हमारे पास में जो वैल्यू बची है वो बची 3x/4 बराबर 63, इसको काटेंगे 21 बार जाएगा और x बराबर क्या होगा, 4 का क्रॉस मल्टीपल करते हैं 84 आ जाता है। अतः x वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 84, और ये अपना फाइनली करेक्ट आंसर आ जाता है। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूरा आपको दिया गया है, इतना बड़ा क्वेश्चन है, यहाँ से लेके यहाँ तक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कोई बड़ा नहीं है, क्वेश्चन सिंपल है, समझे आप लोग, है ना। देखिए 120 का 16 से 2/3, पहले लिखेंगे हम लोग, सोल्व करते हैं इसको। देखिए तो 120 का 16 सही 2/3 परसेंटेज, ओके, प्लस 105 का कितना आया, 14 सही 2/7%, ठीक है, ये लिख दिया, माइनस 56 का 12 सही 1/2%, प्लस एक्स इजिकल टू हो गया 108 का 33 सही 1/3%, क्लियर दोस्तों। अब देखिए ये जो मिश्र भिन्न दे रखी है आप लोगों को, इनको हमें सिंपल भिन्न बना के परसेंटेज के साइन को भी खत्म करना है, ओके। चलिए देखते हैं आगे, 120 का इसको हल करेंगे, 16 × 48 = 2 कितना हो गया, 50/3% है, ओके, प्लस 105 14 × 7 कितना हो गया, देखिए यहाँ पे 14 × 7 = 98 और कितना हो गया 200/7 परसेंटेज है। आगे देखेंगे 56 × 12 × 24 और ये कितना हो गया, 25/2%, प्लस x बराबर 108 × 100/3%, क्लियर मेरे दोस्तों, ओके। चलिए देखते हैं आगे, यहाँ पर अब परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो 2 जीरो आएगा, परसेंट का साइन हटाएंगे तो यहाँ भी 2 जीरो आएगा, परसेंट का साइन हटाएंगे तो भी 2 जीरो आएगा, अब परसेंट का साइन हटाएंगे तो भी 2 जीरो आएगा, ओके। अब कटेगा, देखिए हम लोग काटेंगे इनको, कैसे काटेंगे दोस्तों, 1, 2, 2 जीरो गया, आगे भी देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो गया, आगे देखते हैं दोस्तों, देखिए 25 काटा 8 बार गया और 8 × 7 = 56, 7 बार जाएगा और इधर 2 जीरो से 2 जीरो गया, ठीक है, और 3 से काटते हैं, 3 × 3 = 18, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे 3 × 12 चाबा काट दिया तो 5 × 20 प्लस 7 × 7 और 3 × 7 = 35 प्लस 15, क्लियर, माइनस, देखो दोस्तों 7 बार गया, 7 प्लस का x बराबर 36, ठीक है। अब चेंज करेंगे इनको, देखिए ये पूरा पक्ष इधर जाएगा, यहाँ देखो दोस्तों 20 और 15 = 35, 35 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 35 में 7 जाएगा तो हमारे पास में बचेगा, 35 में से 7 लेस करेंगे तो देखिए दोस्तों 35 में से 7 लेस करते हैं तो कितना बचता है, कैलकुलेशन करेंगे तो बताइए कितना बचता है यहाँ पे, तो हम लोग हल करते हैं, 35
तुम सात घटाओ तो सात घटेगा दोस्तों 15 में से सात जाता है, 15 में सात जाएगा तो 8 और 2 28 प्लस का x बराबर 36। अब ये इधर जाके घटता है तो 6 और 2 कितना बचता है 8, यानी कुल मिला के 36 माइनस का 28 बराबर 8 बचता है। तो हमारे पास में x बराबर कितना आ गया 8 आता है और ये फाइनली वैल्यू किसके। क्वेश्चंस ध्यान दें, आपको बोला गया कि किसी संख्या का, आपको बोला गया किसी संख्या का नाम आया है, कोई नंबर से अननोन नंबर है आपको पता नहीं है, आपको जब अननोन नंबर है नहीं मालूम तो आप क्या मानेंगे उसके रिगार्डिंग एक्स मानेंगे, यानी कि दोस्तों वो नंबर वो संख्या क्या अज्यूम कर रहे हैं हम लोग एक्स मानते हैं, क्या मानते हैं एक्स मानते हैं। तो सोल्व करते हैं तो उस संख्या का 11 सही 1/9% के, देखिए दोस्तों का के की का मतलब होता है मल्टीपल है ओके, तो कोई संख्या का 11 से 1/9% का 4/5 का 37 से 1/2% इजिकल टू कितना है 3 है, उस संख्या का 16 से 2/3 क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है मेरे दोस्तों ओके। चलो चेक करते हैं, देखिए x का 11/99 कितना हो गया 100/9% इंटू 4/5 37 × 74 कितना हो गया 75/2% बराबर हो गया x ओके दोस्तों। चलिए परसेंट का चिन्ह हटाएंगे तो बटे क्या आएगा 20 आएगा ओके, यहाँ पे बटे में क्या आएगा दोस्तों 20 और इधर भी क्या आएगा 20 आ जाएगा ठीक है। हल करते हैं 20 से 20 खत्म कर दिया, आगे 25 × 75 25 से काटा 8 बढ़ गया और 4 × 2 = 8। हल करते हैं यहाँ पे तो 1/9 इंटू का 1/5 इंटू का 3/5 बराबर दे रखा है 3 दे रखा दोस्तों, बराबर क्या दे रखा है 3 दे रखा है दोस्तों, बराबर की वैल्यू होती है तो बराबर से बराबर काट दिया 3 से 3 खत्म कर दिया 9 × 5 = 45 45 × 5 कितना हो गया 225 यानी कि 225 हो गया, यानी 1/225 बराबर हो गया 1। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 225, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 225 आ जाती है। जब x की वैल्यू 225 आ जाती है तो उस x का मान क्या होगा, तो दोस्तों जब x बराबर हो गया 225, परंतु आपसे संख्या नहीं पूछा है, उस संख्या की वैल्यू का भी आपसे 16 से ही 2/3% पूछा है तो दोस्तों निकाल देंगे। तो देखिए तो 225 का 16 से ही 2/3% पूछा है ना, तो क्या होगा 225 का 16 × 48 2 कितना हो गया 50/3% था तो 20 लगा दिया नीचे ओके, कितना आएगा दोस्तों 6 बार गया ठीक है। आगे हल करते हैं, भाग लगाएंगे 6 का भाग लगाते हैं, लगाएंगे देख कितना आ गया 225/6। अब दोस्तों भाग लगा रहे हैं, देखिए 6 × 3 = 18 ओके, क्या बचेगा 4 45 हो गया 6 × 7 = 42। अब यहाँ क्या बचा वापस 3 बचेगा तो कितना होगा 6 × 7 = 42 जो 3 बचा ना तो कितना होगा पॉइंट लगा के 6 × 5 = 30 37.5 मेरा करेक्ट आंसर आ जाता है। इस प्रकार से पूरे प्रश्न को आपको करना है। अच्छा क्वेश्चन देखिएगा, आपको बोला गया कि x का 10% बराबर y का 20% डेट, आपको पूछा गया कि x अनुपात y क्या होगा, देखिए x का कायन गुणा 10% बराबर y का 20% ओके, देखिए परसेंटेज से परसेंटेज खत्म करते हैं और 10 से कम 10 दुने का, यानी कि यहां क्या आता मेरे दोस्तों कि x बराबर क्या आ गया 2y, आपसे रेशियो पूछा है, यहाँ कुछ नहीं होगा तो मिनिमम क्या होगा 1 होगा। अब आपको x अनुपात y पूछा है तो x अनुपात y क्या होगा, तो आप क्या 1:2 कहेंगे क्या, ये कह के आप राइट कर देंगे गलत हो जाएगा दोस्तों, ऐसे नहीं करती। x अनुपात y क्या होगा तो देखिए अक्षर तो सीधा लिखते हैं, अक्षर तो क्रम से लिखते हैं, पर वैल्यू क्या होती है दो पदों में आगे पीछे रोटेट हो जाती है, यानी कि पीछे के आगे आगे की पीछे ओके। तो यहाँ क्या होगा अपना करेक्ट आंसर दोस्तों, अपना करेक्ट आंसर होगा 2:1 होगा। प्यारे बच्चों क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, ये एग्जाम्पल हैं, ये थोड़ा सा आपके थोड़ा सा समस्या आ सकती है समझने में, इसलिए ध्यान दीजिए, से मल्टीपल आपके चॉइस आंसर बनेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ एक्स का वाई पर वाई का एक्स परसेंट, तो दोस्तों वाई का एक्स परसेंट प्लस एक्स का वाई परसेंट, ये परसेंट हटाएंगे बटे का 100 आएगा, यहाँ भी परसेंट हटाएंगे बटे 100 आएगा, यानी एलसीएम आ गया 100, तो यानी 100 गया तो क्या आ गया यहाँ पे एक्स वाई प्लस एक्स वाई, यानी कितना आ गया 2xy / यहाँ पे आ गया 2xy / 100 आया ओके दोस्तों।
ये आपके पास कंडीशन है। अब आप क्या करते हैं, दो से काट देते हैं, नहीं काटना है आपको, बेनिफिट लेना है। क्या होगा देखिए दोस्तों कि 2xy/100 था, अब ये 100 नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या बन जाता है, ऊपर परसेंटेज का चिन्ह लग जाता है, इस बात का ध्यान रखें। देखिए जब नीचे का 100 ऊपर जाता है तो परसेंटेज का चिन्ह लग जाता है, चिन्ह लगा दिया, अब ऊपर से चिन्ह हटाएंगे तो वापस बट्टे में 100 आ जाता है, यानी कि नीचे का 100 था ऊपर जाएगा तो परसेंटेज का चिन्ह, और ऊपर से परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे तो बट्टे का 100 आ जाता है, क्लियर। अब देखिए हम इसका मल्टीपल आंसर बना सकते हैं, कैसा देखिए ध्यान दीजिएगा, हम इसको क्या क्या लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहला कि साहब x का 2y%, देखिए अपने x सब आपस में गुणे में है तो हम इसको कैसे भी बोल सकते हैं, तो x का 2y% बोल सकते हैं, दूसरा y का 2x% बोल सकते हैं, तीसरा 2 का xy% बोल सकते हैं, आगे चौथा xy का 2% बोल सकते हैं, आगे आपको बोल रखा दोस्तों xy का 2% आपका आंसर है, फिर भी आप इसको आगे बोल सकते हैं कैसे दोस्तों, देखते यही आप लोग, पांचवा देखा जाए तो 2x का y%, छठा 2y का भी x%, इसको मल्टीपल आप कितना ही बोल सकते हैं, आगे खूब सारे निकाल सकते हैं, तो अपना आंसर कितना आ गया xy का 2% अपना करेक्ट आंसर बनता है। सिंपल है, देखिए कि y का यानी गुणा x%, क्वेश्चन मार्क का y%, क्लियर दोस्तों। देखिए करने का मेथड क्या है दोस्तों, देखिए परसेंटेज से परसेंटेज खत्म किया और वाई से वाई खत्म किया, अतः एक्स बराबर क्या आएगा क्वेश्चन मार्क, अतः क्वेश्चन मार्क के इस गल्टू में क्या होगा एक्स होगा, अतः अपना आंसर क्या आएगा एक्स आएगा, क्लियर दोस्तों। इस प्रकार से ये सारे बेसिक लेवल के क्वेश्चन हैं, ये सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने डिटेल से समझे हैं, करे हैं, इन क्वेश्चन में कोई समस्या आती है तो हम अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। जब तक आप लोग सारे क्वेश्चन को कवर करते हुए क्लियर कर लीजिएगा, और पूरे क्वेश्चन की और इसके पैरेलल क्वेश्चन जितने भी हैं, मैंने सारे क्वेश्चन की जो लिंक है, जो सारे क्वेश्चंस हैं लगभग 200 ऊपर क्वेश्चन है, मैंने आपके इन सारे क्वेश्चन तैयार करके जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन होगा मैं इसके अंदर आपको अपलोड कर दूंगा, वहां से देख लेना। अब दोस्तों देखिए आगे फिर देखें हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि दोस्तों ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने डिटेल से यहाँ पे कवर कर लिए। आई होप यू, मुझे पता है कि जहाँ तक इन प्रश्नों में आपके कोई तकलीफ नहीं है, क्लियर है सारे क्वेश्चंस। अब जो भी क्वेश्चन आते हैं आप इनको बेटर तरीके से कवर करें दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करते हो अपने दोस्तों के पास में भी इसको अपने सभी ग्रुपों में शेयर करें, और सबको भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। और कोई समस्या आती है दोस्तों तो अपन लोग अगली क्लास के साथ में मिलेंगे, तब तक के लिए बेस्ट, सी यू टुमारो।